आलसी स्लग कहीं के। तुम्हें बार बार हराना अच्छा लगता है डॉक्टर ब्लैक, पर क्या तुम हार कर थक नहीं जाते? बहुत ज्यादा, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम मुझे मुकाबले में हरा दोगे? मुझे तो यकीन है। शांत रहो बर्पी, तुम्हें भी मौका मिलेगा। तुम मुझे बताओगे यहाँ क्या हो रहा है या मैं गेस कर लूं? दिमाग पर जोर मत डालो विल्शेन, मैं दिखा देता हूँ। क्या वो एक स्लग है? ब्लैक, तुमने उसके साथ क्या किया है? मैंने इसे ठीक किया है और बेहतर बनाया है, इतना बेहतर कि ये तुम्हें भी हरा दे। इतनी ताकत मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, स्लग से छेड़खानी? तुम पूरे स्लग टेरा को बर्बाद कर दोगे। ब्लैक, इसे रोको, तुम्हें इसे रोकना होगा। ब्लैक, 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 मेरे बेटे को ढूंढो, ईलाई को ढूंढो, उसे वो चिट्ठी दो, जाओ। बर्पी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड ने भेजा है ना? प्यारे इलाय, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। ये एक शैन होने के कई खतरों में से एक है, ऐसा खतरा जिसका एक दिन तुम भी सामना करोगे अगर तुम मेरे नक्शे कदम पर चलते हो तो। शैन परिवार के कई लोगों ने स्लगटेरा की रक्षा में अपनी जान दी है, अगर तुम जाने का फैसला करते हो तो हमारी डील याद रखना। 15 साल होने के बाद मैंने स्लगटेरा के अपने सारे एडवेंचर्स बता दिए हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वहाँ नीचे जाना तो आसान है, वापस ऊपर आना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर तुम वहाँ गए तो तब तक ऊपर वापस नहीं आ पाओगे जब तक तुम वापस आने का राज न जान लो। हमने हमेशा तुम्हारे नीचे जाने के सफर को एक साथ करने की बात की थी, पर अब ये काम तुम्हें अकेले ही करना है। मैंने तुम्हें स्लगटेरा के बारे में बहुत कुछ बताया, पर वहाँ तुम्हें कई और भी चीज़ों का सामना करना होगा। तुम पृथ्वी की सतह से करीब 100 मील नीचे तक का सफर करोगे, जहाँ अब तक सिर्फ कुछ ही लोग जा पाए हैं। तुम कैरिज में बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, बस कसकर पकड़े रहना। तैयार बर्पी? स्लगटेरा, जमीन के नीचे बसी दुनिया, आखिर मैं यहां आ गया। जब तुम स्लगटेरा पहुंचोगे तो तुम्हें ड्रॉप के पास एक शैन हाइडआउट दिखेगा। नए घर में जाने के लिए तैयार हो बर्पी? काफी गंदा हुआ पड़ा है, वहां तुम्हें अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी।
नए कपड़े पहनने का वक्त हो गया है लड़की। सर्विस बे में तुम्हारा अपना मशीनी दानों तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक्स डैड, पर मुझे लगा था मेरा मशीनी दानों इससे बेहतर होगा। क्या बात है, LKE मॉडल। आज से मैं तुम्हें लक बुलाऊंगा। मैं हमेशा से ही यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ब्लास्टर्स रखता हूँ, पर तुम्हें अपने लिए स्लग्स ढूंढने होंगे। ये तुम्हारा सबसे जरूरी काम होगा ईलाय। यहाँ का हर काम स्लग्स के भरोसे ही होता है। तुम ये सीखोगे कि वो सिर्फ गोला बारूद नहीं है। प्लीज गोली मत चलाना। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? सवाल ये है कि तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा है और ब्लास्टर मेरे हाथों में है। तुम तो मेरे जितने ही होशियार हो दोस्त। प्रॉन्टो खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ एक ट्रैकर, एक एक्सप्लोरर, टैलेंट से भरा मोलोनॉइड। डैड ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया। डैड, तुम विल शेन के बेटे हो? अच्छा देखो, मुझे जरा अच्छे से समझने का मौका दो। ठीक है, मैं कभी विल शेन से नहीं मिला, पर अगर मिला होता तो वो यकीनन ही मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए पीछे पड़ जाते, जैसे तुम पड़ोगे। एक शेन के पास अपने एडवेंचर्स के लिए एक ट्रैकर तो होना ही चाहिए ना। डैड ने ट्रैकर की जरूरत होने का भी जिक्र नहीं किया था। मेरा सुंदर सपना टूट गया। हो सकता है कि हमारी मुलाकात दोबारा हो अगर तुम कभी लॉक रॉक केव्स के पास से गुजरो या फिर नॉर्दर्न कैवर्न के पास कहीं फंस जाओ तो। शायद मुझे एक ट्रैकर की जरूरत पड़ सकती है। वाह वाह, तुमने बड़ी समझदारी का फैसला किया है नन्हे शेन। मेरा नाम ईलाय है। अच्छा नाम है, बोलने में आसान। देखना नन्हे ईलाय, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। गुड, क्योंकि अगर मुझे बुराई से लड़ना है तो हमारा पहला मिशन कुछ स्लग्स पकड़ना होगा। वैसे एक शेन होने के नाते तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया स्लग्स की सेना होगी। हाँ हाँ, तुम बहुत ही अच्छे हो, पर बाकी स्लग्स कहाँ हैं? मेरे पास यही है, पर बर्फी कुछ कम नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक स्लग है? तुम्हें मुकाबले में कुछ अनुभवी स्लग्स जीतने होंगे और मुझे पता है वो हमें कहाँ मिलेंगे। ये एक छोटा सा लोकल टूर्नामेंट है, एक शेन के लिए तो यहाँ जीतना बहुत आसान होगा। किसका इंतजार कर रहे हो? हमें जाकर स्लग्स जीतने हैं। जाने से पहले मुझे बस एक चीज करनी है। मुझे कब से इस पल का इंतजार था? किस पल का इंतजार था? एक स्लग को ब्लास्टर से शूट करने का? हाँ, तैयार हो बर्फी? एक इन्फर्ना स्लग। वाह, बहुत अच्छे बर्फी। तो इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? फ्लेरिंगोस का झुंड, उन्हें देखो बर्फी। तुम अपने स्लग्स को नाम देते हो? तुम नहीं देते? बस कर शैतान, ये भी एक नाम ही है। पता है, मेरी नजर बहुत ही तेज है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ के कई आम बातों से भी अनजान हो। मैं शेन परिवार के सबसे सीक्रेट हाइडआउट में बड़ा हुआ, यहाँ से काफी दूर। सिर्फ शेन उसके बारे में जानते हैं। हाँ ठीक है, शेन परिवार के कई राज हैं, पर उनमें सबसे बड़ा राज है वो जगह जहाँ से तुम आए हो। किसी को भी ऊपर की दुनिया का पता नहीं चलना चाहिए ईलाय। दोनों तरफ काफी खतरे हैं, इन दोनों दुनियाओं का अलग रहना ही अच्छा है। वहाँ क्या हो रहा है प्रॉन्टो? नजरें घुमा लो और आगे बढ़ते रहो। लगता है उसे हमारी मदद की जरूरत है। शांति बनाए रखने के लिए शेन परिवार नहीं है, ये स्लग टेरा की गुफाएं हैं। अब कैसे कहूँ, ये जगह रहने लायक नहीं है। पर अब यहाँ एक शेन आ गया है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि एक असली हीरो बेकार के मामलों में दखल नहीं देता। तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम तो एकदम कड़के निकले। यहाँ से चले जाओ। ये रास्ता मेरे इलाके में आता है। तुम विल शेन नहीं हो कि मैं तुम्हारे कहने से रुक जाऊंगा। वो मेरे डैड थे, मैं उनका अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। क्या सच कह रहे हो? विल शेन को देखकर ही डर लगता था। तुम तो बस एक बच्चे हो,
और मैं वो बच्चा हूँ जिसके हाथ में एक ब्लास्टर है। क्या मुझे आजमाना चाहोगे? मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। थैंक्स प्रॉन्टो। कौन प्रॉन्टो? ये तो मैंने किया। देखो ये रास्ते इन जैसे बदमाशों से भरे पड़े हैं। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। रुको, तुम कौन हो? तुम यहाँ हो, तुमने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। इस रास्ते से दूर रहना। सिर्फ एक ब्लास्टर और एक मोलेनॉइड के साथ तुम एक शेन नहीं बन सकते बच्चे। मुझे लगा शेन परिवार से होना इज्जत की बात है, पर उसने तो मेरा मजाक उड़ाया। अगर इज्जत चाहिए तो वो तुम्हें लड़ाई के मैदान में कमानी होगी, बिल्कुल मेरी तरह। अगर तुम टूर्नामेंट जीत गए तो सब ये जान जाएंगे कि एक शेन बेगुनाहों की हिफाजत करने लौट आया है। और अगर मैं नहीं जीता तो? तो यहाँ बुराई का राज कायम रहेगा और तुम पर बेवकूफ होने का ठप्पा लग जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे हारने का कोई चांस ही नहीं। शेन, जरा ये देखो, ये लड़का खुद को एक शेन समझता है। तुम्हें क्वालिफायर में सबसे आखिरी जगह मिली है, गुड लक, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। क्वालिफायर? टूर्नामेंट में जाने के लिए छोटा सा ड्यूल, घबराने की बात नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे तो पहली बार ड्यूल करने में मजा आएगा। क्या तुमने कभी ड्यूल नहीं किया है? पर तुम एक शेन हो। ये एक लंबी कहानी है और मुझे नहीं लगता हमें बाकियों के सामने इसके बारे में बात करनी चाहिए, है ना? हाँ, नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए अभी एक स्पेयरिंग पार्टनर ढूंढना होगा, बस अभी आया। एक्सक्यूज मी, तुम बीच में आ रहे हो। हे, तुम तो वही हो। एक बार फिर से थैंक्स, तुमने मेरी तुम्हारी जान बचाई। ये बात अपने तक रहेगी। तुम्हारा बड़प्पन है, मैं हूँ ईलाय। ट्रिक्सी, तुमने उस आदमी से कहा कि तुम एक शेन हो, क्या ये सच है? हाँ, मैं तो बस यहाँ कुछ स्लग्स जीतने आया, जिसके बाद मैं जाकर बुराई से लड़ूंगा और ऐसा ही कुछ। ये कैमरा किस लिए? कॉम्पिटिशन को रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद यहाँ से मुझे अपने लिए नई तरकीबें मिल जाए। वो कौन है? जॉन बोल, अगर ये टूर्नामेंट जीतना है तो उसे हराना ही होगा। अब तक मुझे उसकी कोई कमजोरी नहीं मिली सिवाय इसके कि वो एक नंबर का भोंदू है। तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है? हाँ, मेरा दोस्त मेरे लिए एक स्पारिंग पार्टनर ढूंढने गया है, पर चाहो तो तुम भी। और ट्रिक्स तुम्हें सिखा दूं? नो थैंक्स, मैं तो तुम्हें देखकर तुम्हारी ट्रिक्स सीखना चाहूंगी। वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त ने किसी को ढूंढ लिया है। इलाई शेन, ये है कॉड ज़ेन। तो क्या ख्याल है? मुझे लगता है ये काफी दर्दनाक होगा। तुमने कहा था मेरा मुकाबला शेन से होगा, ये तो सिर्फ एक बच्चा है। तुम एक केव ट्रोल हो। सोचने दो, तुम भी मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते। पागल हो क्या? मैं हमेशा से एक केव ट्रोल से मिलना चाहता था। एक केव ट्रोल से ज्यादा वफादार, ईमानदार और बहादुर और कोई नहीं होता, डैड बताते थे। लगता है उन्होंने मोलेनॉइड्स के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। विल शेन ऐसा कहते थे, एक झप्पी हो जाए दो। तो इसका मतलब हम ड्यूल कर रहे हैं? जिसे चाहे चुन लो। फ्लॉपर्स? बढ़िया। बिल्कुल भी नहीं, फ्लॉपर्स किसी काम के नहीं होते। हर स्लग काम का होता है। तो तुम ड्यूलिंग के बारे में क्या जानते हो? इसमें जानना क्या है, पहले अपना स्लग चुनो, फिर उसे स्लिंग करो, फिर 100 माइल्स एन आर पर पहुंचते ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तब तक करो जब तक ओपोनेंट हार ना मान ले। ये सब डैड ने बताया है। हाँ, पर बताने और लड़ने में फर्क है। इस कॉम्पिटिशन में जीतने पर तुम अपने ओपोनेंट का एक स्लग ले सकते हो। इसका मतलब अगर तुम कोई भी मैच हारे, ये क्वालिफायर भी तो। मैं बर्पी को खो सकता हूँ। क्या तुम सच में इसे दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, है ना? नहीं, ड्यूल हो जाए। ये गलत है, मैं तैयार नहीं था। तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए, ड्यूल हो जाए। एक तरफ खड़े रहो, इससे तुम्हें मारना मुश्किल होगा। तुम अपने कंपटीशन की मदद कर रही हो? कमाल है, ये खुद को कंपटीशन समझता है। ड्यूल।
बहुत अच्छे दोस्त। हमेशा अपने ओपोनेंट पर निशाना मत साधो, कुछ ऐसा करो जिससे माहौल बिगड़ जाए। तुम्हारा मतलब इस तरह? लगता है अब तुम्हें समझ में आने लगा है। यही वो इलाई शेन है जिसे मैं सालों से जानता था। ये और बात है कि हम आज ही मिले हैं। अच्छी चाल थी। और ये था मेरा कमाल का फ्लैटू लोरिंकस। तुमने अब तक किसी ड्यूल में हिस्सा क्यों नहीं लिया? मैंने अपने डैड से वादा किया था 15 साल का होने तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसका मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है? कल था। तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है इलाय। भले ही तुम में हुनर की कमी है पर बहादुरी की कोई कमी नहीं। तुम्हें लगता है मैं तैयार हूँ? बिल्कुल। शायद नहीं। डरो नहीं, तुम ही जीतोगे। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आ रहा है जिसका मुकाबला तुमसे होगा। मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे ओपोनेंट पर तरस आ रहा है। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, तुम्हारा मुकाबला है शॉक वायर से। अभी हार मानने के लिए देर नहीं हुई है शेन। वो बहुत ताकतवर है। दोस्तों, वो इतना भी ताकतवर नहीं लगता। तुम क्या कहते हो बर्फी? वो सिर्फ टेजलिंग्स का इस्तेमाल करता है और अगर मेरी बात मानो तो उसे बस एक ही ट्रिक आती है। कमाल की ट्रिक। वैसे मेरे पास भी अपनी कुछ ट्रिक्स हैं। सच में? बिल्कुल। तुम कुछ ट्रिक्स जानते हो ना? देखो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है। वो तो उन टारगेट्स का कचुंबर बना रहा है। पता है टेजलिंग्स काफी मजबूत स्लग्स होते हैं, पर ओवरलोड होने पर वो कभी कभी मिसफायर करते हैं। क्या सच में? मुझे पता चला है तुम एक शेन हो। सही पता चला है। और तुम्हारे पास एक फेरिंगो और कुछ फ्लॉपर्स हैं, है ना? हाँ। तुम पागल हो, बुद्धू हो या फिर दोनों हो? और कोई चॉइसेस नहीं है क्या? हो जाए। अभी नहीं बर्फी, तुम्हें अपना चांस मिलेगा। जल्दी करो। वो अपने इन्फर्नास का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? फ्लॉपर्स का इस्तेमाल करके तुम कभी नहीं जीत पाओगे। नहीं रुको, मैं समझ गई वो क्या कर रहा है। हारने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे, थोड़ी देर और। वो टेजलिंग के मिसफायर करने का इंतजार कर रहा था। ठीक है बर्फी, जाओ। बंद करो, बंद करो। मैं हार गया, तुम जीते। विनर मिल गया। इस ड्यूल का विनर है इलाय शेन। बर्फी, जीत गए। शाबाश, कंग्रेचुलेशंस गाइस। मतलब तुम सच में एक शेन हो। शॉक वायर, आकर इसका इनाम दो। आ रहा हूँ, लो चुन लो। इसके पास काफी अच्छे स्लग्स हैं इलाय, जरा सोच समझ कर चुनना। नहीं कॉड, इससे अच्छा आइडिया है। तुम तीनों में से कौन मेरे साथ आना चाहता है? मैं एक शेन हूँ और जैसे ही ये कॉम्पिटिशन खत्म होगा तुम मेरे साथ नए नए एडवेंचर्स पर चल पाओगे। क्या तुम स्लग्स की मर्जी पूछ रहे हो? ऐसा तो कोई नहीं करता। तुम्हारा स्वागत है छोटे दोस्त।
क्या मैं तुम्हें ज्वेल्स बुला सकता हूँ? यह है बर्फी। तुम अच्छे हो, पर क्योंकि तुम कंपटीशन में हो। ये मत समझना कि हम तुम पर कोई एहसान कर रहे हैं, हम सब यहाँ जीतने आए हैं। तुम सब तैयार हो जाओ, राउंड वन आज रात होने वाला है स्कोज स्पार्क्स कैवन में, और तुम्हारा मुकाबला होगा उनसे। मेरा नाम है ईलाई शेख और कल मेरा स्लगटेरा में पहला दिन था। यहाँ तक आना इतना मुश्किल नहीं था, ड्यूअल हो जाए। यहाँ नीचे जिंदा रहने के लिए हमें स्लग स्लिंग्स करने पड़ते हैं। कुछ नए दोस्त मुझे एक टूर्नामेंट में ले गए ताकि मैं अपनी जरूरत के स्लग्स हासिल कर सकूं। सब तैयार हो जाओ, आज रात राउंड वन होगा स्कोच स्पार्क्स कैबिन में। अब बस मुझे जीतते जाना है। थैंक्स प्रॉन्टो। हाँ, ये सफर इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं मरते मरते बचा, वो भी चार बार। वो तो पहली बार में ही गिर जाते। शुक्र मानो कि मैं तुम्हारे साथ था। लो, हम आ गए टूर्नामेंट के पहले राउंड में। आप सब कूल। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? पिघला हुआ लावा, नुकीली चट्टाने और एक धीमे मोलेनॉइड की वजह से हमें देर हो गई। मैं तो तुमसे आगे था ना। तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? क्या रास्ता? प्रॉन्टो के साथ होते हुए तुम्हें रास्तों की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें मुसीबतों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। जरूरी यह है कि तुम यहाँ पहुंच गए। सवाल यह है कि तुम्हारा पहला ड्यूअल किसके साथ है? संभल कर लड़ना, यहां बचना आसान नहीं। मेरे करीब रहना, ये लावा लेक्स तुम्हें जलाकर खाक कर सकते हैं। ओके, ये काफी डरावना था, पर साथ ही उतना ही कमाल का। उन्होंने पहले राउंड के लिए सबसे खतरनाक गुफा चुनी है क्या? पागल मत बनो, टूर्नामेंट के हर एक राउंड को अलग अलग कैवर्न स्पॉन्सर करता है। सबसे खतरनाक गुफाएं तो आखिरी राउंड में होंगी। एक कॉर्ड सब ऐसे खड़े क्यों है? क्या हमें मुकाबले की तैयारी नहीं करनी चाहिए? यही तो बात है, वो आखिरी पल ही बताते हैं कि मुकाबला किससे है और किस तरह का है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं शार्प शूटिंग कॉन्टेस्ट की तैयारी करूं या एक मेका बैक ड्यूअल की। कुछ भी हो सकता है, मुझ पर छोड़ दो। मैं अपनी राज उगलवाने वाली कला से सब पता लगाकर अभी आता हूं। अटेंशन, टूर्नामेंट का पहला राउंड होगा वन ऑन वन ड्यूअल्स। सुनो, यहां वन ऑन वन ड्यूअल्स होंगे। बताने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, मैं जिताने के लिए कुछ भी करूंगा मेरे दोस्त। बर्फी। बता नहीं सकते थे तुम्हें गर्म लावा से कुछ नहीं होता? अब तुम्हारी खैर नहीं, सबसे अच्छा वाला मैंने आखिर के लिए रखा था।
और मैंने भी। विनर, एलाय शेन जीत गया है। अपना स्लग चुनो मिस्टर शेन। मुझे पता है तुम कौन सा चुनोगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। प्रेशियस लग अच्छा है, पर मैं इसे नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ मुझे कितना बुरा लगेगा अगर किसी ने बर्फी को मुझसे ले लिया। तुम्हें कार्मा शेल्ट हो। मुझे बुराई से लड़ते वक्त एक कैनन बॉलर की तो जरूरत पड़ेगी, तो क्या ख्याल है? आज से तुम्हारा नाम होगा बैंगर। तुम्हें नाम अच्छा लगा? तो मेरा पहला असली मैच इतना बुरा नहीं था। प्रॉन्टो, प्रॉन्टो। हे, तुम यहाँ हो? हाँ, मैं यहाँ हूँ, पर ये मत समझना कि मैं तुम्हें हारता हुआ छोड़कर आ गया। पर तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि तुम जीत गए हो। चलो अब अगले मुकाबले पर ध्यान देते हैं। विनर, इस मैच का विनर है जॉन बुल। कंग्रेचुलेशंस, मैं भी जीता हूं। मैं तुम्हें नहीं जानता, हटो। मैंने तुम्हें बताया कि मुझे तुम्हारी जीत की कितनी खुशी है। अगला मुकाबला है द किंग ऑफ स्लिंग और ट्रिक्सी स्टिंग के बीच। अब चलो अपना सर झुकाओ द किंग ऑफ स्लिंग के सामने। बातें कम, काम ज्यादा। मेरा सर झुकाने चले थे, खुद ही देख लो किसका सर झुका। विनर, ट्रिक्सी स्टिंग। बढ़िया, पर लगता है सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। सही कहा, तुम्हें देखना चाहिए था कि मैंने उसे कैसे हराया। डॉक्टर ब्लैक। मॉरिस, कितनी बार कहा है कि काम के वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। स्लग स्लिंगिंग टूर्नामेंट की बात है। मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? वो शेन लड़का, वो अब तक आउट नहीं हुआ। मेरे खबरी ने बताया है कि वो काफी अच्छा खेलता है। वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। 10 साल बाद शायद। पर क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं उस पर नजर रखूं? जाओ। मैं जवाब समझ गया। दोस्तों, और तेज, अभी तो हम रॉक लॉक कैवर्न के आधे रास्ते पहुंचे हैं और अगले राउंड के शुरू होने में अभी 1 घंटा भी नहीं बचा। हे, मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या केव ट्रोल्स बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं? मैं खुद अपनी तारीफ कैसे करूं? तुम एक स्लग स्लिंगर क्यों बने? मेरा परिवार चाहता था कि मैं फैमिली बिजनेस संभालूं। आज के कई पैसेज वेज मेरे लोगों ने ही बनाए थे, पर पत्थर तोड़ने से ज्यादा मजा स्लग स्लिंगिंग में ही आता है। सही कहा, मैं एक बहुत ही बेहतरीन मोलेनॉइड एक्सप्लोरर्स के परिवार से हूँ। तुम्हारा क्या ट्रिक्सी? कहने जैसा कुछ है नहीं। मैं बदमाशों को अपने इलाके में आकर सबको परेशान करते हुए देखकर तंग आ गई थी। बिना शेन परिवार के किसी को कुछ करना ही था। एक मैं ही थी जो उनसे लड़ना चाहती थी। मैंने वीडियोस इसलिए ही बनाए ताकि लोग देख सके इस लक्टेरा में क्या हो रहा है, अच्छा और बुरा। ट्रैकिंग करना मोलेनॉइड्स का सबसे बड़ा हुनर है। ट्रैकिंग से याद आया, हम इस वक्त कहाँ हैं प्रॉन्टो? मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से ले जा रहा हूँ। ये तो शैडो क्लैन के निशान है, क्या ये उनका बनाया हुआ रास्ता है? रास्ता है नहीं था, पर उन्हें यहाँ सालों से नहीं देखा गया। एक बात कहूँ दोस्तों, मुझे लगता है वो वापस आ गए हैं। शैडो क्लैन, मैं हमेशा उन्हें देखना चाहता था। अगर तुम उन्हें देखने के लिए उनके करीब गए तो और कुछ देखने के लायक नहीं रहोगे। तो अब हम क्या करें? भागो। इलाय, हमें इस तरफ जाना है। यहाँ से निकलो, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। मुझे उनके साथ ही चले जाना चाहिए था।
क्या हमें उसकी मदद करने जाना चाहिए? बर्फी कमाल दिखाओ। तुम क्या सोच रहे थे? पता नहीं, पर मेरे डैड उनके बारे में ऐसे बात करते थे जैसे वो मामूली बात हो। उन्होंने बताया पेट्रोलिंग करते वक्त उनका सामना हमेशा होता था। हाँ, पर तुम्हारे डैड विलशेन थे, तुम तो बस पागल हो। रॉक लॉक कैवर्न, उन्होंने इस राउंड के लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। इस अगले राउंड में होंगे 3-on-3 टीम ड्यूल्स। अपने पार्टनर्स चुन लो। क्या ख्याल है? कम ऑन, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी धराओ। आखिर ये तीनों हैं कौन? ये तीनों पावर ट्रिपलेट्स हैं, उन्हें पावर ट्रिप्स भी कहते हैं। वो जन्म से ही एक साथ ट्रेनिंग करते आए हैं। वो एक दूसरे की चाल को पहले ही समझ जाते हैं। तुम सब मैच का मजा ले रहे हो। वो भले ही विलशेन का बेटा है, पर उसे ये सारी चालें मैंने ही सिखाई हैं। सिवाय इस चाल और ये भी। फिर से हमला करो ब्रदर। ठीक है सिस्टर। एक मिनट, एक लड़की भी है। उनकी तरह मिलकर लड़ना चाहिए। मुझे अपने स्लग्स दिखाओ। कॉर्ड फॉस्फोरस लिंक करोगे। ट्रिक्सी तुम एरेक्निड, बैंगर का बाद में देखेंगे। नए स्लग को जुड़ने में कई हफ्ते लग जाते हैं इलाय, कभी कभी महीने। तुम शूट तो कर लोगे, पर एक कॉम्प्लिकेटेड मूव करना आसान नहीं होगा। ये उम्मीद छोड़ दो कि अभी अभी जीता हुआ स्लग तुम जो चाहोगे वही करेगा। मैं भले ही नया हूँ, मुझे भरोसा है मैं स्लग से जुड़ चुका हूँ। कॉर्ड तुम उनका ध्यान बटाओ, मेरे इशारे पर फायर करेंगे। चलो देखते हैं। वहां देखो ब्रदर्स। अभी देखा, ये चाल मैंने ही सिखाई थी। विनर्स हैं टीम शेन। दो ताली। हे चलो अब ताली दे भी दो। ठीक है, शायद बाद में। गुड, हमें अगले राउंड के लिए निकलना है। बेहतर होगा तुम इस बारे में सही हो। मेरा वक्त कीमती है मॉरिस। वेस्टर्न कैवर्न्स ड्राइवर डॉक्टर ब्लैक को स्लग मैच देखना है। देखते हैं इस नए शेन में कितना दम है, आखिर क्या खास बात है उसमें। फाइनल्स में पहुंच गया है। क्या बात है एलाय, कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स। मैंने अभी सुना, अफसोस है दोस्त। नहीं, मैं जीता, मैं फाइनल्स में हूं। जॉन बुल के खिलाफ? हाँ, देखो उसने क्या हाल किया। दोस्त तुम में वो हुनर नहीं है, और ना ही तुम इतने तगड़े हो कि उसके रैमर्स को झेल सको। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर वो तुम्हारा कचुमर बनाने वाला है। जाओ उसे दिखा दो, मैं तुम्हारी तरफ हूं।
इलाई शेन किसी को भी ऑटोग्राफ नहीं देगा, पर तुम चाहो तो मैं सबके लिए पोज कर सकता हूं। स्लग टेरेनियन एक्सप्रेस। और जरा देखो तो उसका पैसेंजर कौन है? डॉक्टर ब्लैक, वो यहां क्यों आया है? तुम में से इलाई शेन कौन है? शांत रहो बर्पी, वैसे ये है कौन? डॉक्टर थैडियस ब्लैक। तुम्हारे डैड ने कभी नहीं बताया? कहते हैं कि इसी ने तुम्हारे डैड को आखिरी बार जिंदा देखा था। तुम्हारे दोस्त सच बोल रहे हैं, विल शेन एक सच्चा हीरो था। आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करें? ये भी मेरे साथ चलेंगे। हाँ क्यों नहीं। डरो मत, हम सिर्फ बात करेंगे। खुद का ट्रांसपोर्टेशन होने का यही फायदा है कि तुम जब चाहो आराम से सफर कर सकते हो। कितना नर्म है, लगता है जैसे मैं बादल पर बैठा हूं। तो विल शेन का एक बेटा है, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। शेन परिवार और उनके राज। आप मेरे डैड के दोस्त थे? दोस्त? मुझे नहीं लगता। तुम्हारे पिता और मेरे बीच काफी मतभेद थे, पर ये पुरानी बात है। हम दोनों को एक अच्छी शुरुआत करने का मौका मिला है, शायद किसी दिन हम एक साथ काम करें। मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास लक्स की कमी है, इसे मेरा एक तोहफा समझो। उस लक को क्या हुआ है? मैंने तो इसे और बेहतर बनाया है। मानता हूं कि मेरी पहली कुछ कोशिशें नाकामयाब रहीं, पर अब ये परफेक्ट है। ये परफेक्शन नहीं है, तुमने इसे किसी तरह के पिशाच में बदल दिया है। पिशाच? ये नाम अच्छा है। ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ की हर चीज इनसे चलती है, तुम स्लग टेरा को बर्बाद कर दोगे। ये बात कुछ सुनी सुनी सी लगती है। एक शेन मेरी बात को समझेगा, ये सोचना मेरी ना समझी थी। तुम जा सकते हो। इस छोटे से मुकाबले में तुम भले ही खुद को हीरो समझ रहे हो, पर असली दुनिया बहुत अलग है इलाई शेन। मेरे रास्ते में कभी मत आना। नहीं पता तुम कौन हो, पर शायद मेरा स्लग जानता है और इसे तुम पसंद नहीं आए, और ना ही मुझे। मैं यहाँ का नया शेन हूँ, बेहतर होगा इसे मान लो। वो सिर्फ एक बच्चा है बॉस, उससे कोई खतरा नहीं। पर वो एक शेन भी है, और जब लोगों के पास अपनी रक्षा के लिए एक शेन होगा तो इससे हमारा काम बिगड़ सकता है। डॉक्टर ब्लैक, आपको क्या चाहिए? आज के मुकाबले में तुम्हारी जीत। मैं एक बच्चे से लड़ने वाला हूं। तुम्हारी लड़ाई एक शेन से है, एक शेन को कभी कम मत समझना। आपके गंदे स्लग्स नहीं चाहिए। तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं। तुम उस बच्चे के खिलाफ इसका इस्तेमाल करोगे। जॉन बुल वर्सेस इलाई शेन। तुम बस अपने डैड की परछाई हो, तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल गया है। ऐसा नहीं है, मेरे डैड को गए एक अरसा हो गया है और मुझे आसानी से नहीं मिला। दोस्त, बातें कम और मेरी सिखाई बातों को याद करो। फिर से बताओ। ब्लास्टिंग के वक्त बात नहीं करनी चाहिए। बहुत हुआ। उसे दिखा दो एक शेन क्या चीज है। दिखा दो। दिखा दो इलाई। Yeah.
आखिरी शॉट है बर्पी, जीत कर ही आना। हमारा विनर है जॉन बुल। चलो शेन, तुम रूल्स जानते हो। माफ करना दोस्तों, तुम में से किसी एक को जाना होगा। मुझे तुम्हारे स्लग्स नहीं चाहिए, मेरे लिए बस यही काफी है। पिशाच, ये तुम्हें ब्लैक ने दिया है, क्या फर्क पड़ता है, जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। और इसके जैसे तो कई और भी हैं। अगर मेरे रास्ते पर चलते हो इलाय, तो स्लग टेरा को हर तरह के खतरों से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम एक शेन हो, तुम नेक दिल हो, और तुम जो भी चुनोगे मुझे उस पर नाज होगा। मैं बचपन से ही एक अच्छा शेन बनना चाहता था। मैंने सोचा था इसमें डैड मेरे साथ होंगे, पर अब मुझे अकेले ही ये करना है। किसने कहा तुम अकेले हो? इस सफर में ये प्रॉन्टो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगा, और ये मेरा वादा है। और मैं स्लग टेरा में ये खबर फैला दूंगी, सबको पता चलना चाहिए कि एक शेन लौट आया है। इसमें खतरा हो सकता है। खतरों को हमसे अब किसकी बारी है? चलो भी, क्या तुम में से कोई भी एक फ्रेंडली ड्यूल के लिए तैयार नहीं है? कहीं तुम इनसे तो नहीं डर रहे? ये सिर्फ स्लग्स हैं। गलत, वो सिर्फ स्लग्स नहीं है, वो पिशाच है। वाह, लगता है ये नया शेन सबको बचाने आया है। मैं सोच रहा था तुम अब तक क्यों नहीं आए। यहाँ पिशाचों का कोई काम नहीं, और ना ही तुम्हारा। एक के मुकाबले चार, बड़ी नाइंसाफी है ये। रूस तो तभी हवा हो गए जब तुमने जाकर ब्लैक से हाथ मिला लिया सीसी। तो फिर तुम्हारे स्लग्स को ठिकाने लगाता हूँ, उसके बाद मैं तुम चारों से निपट लूंगा। आखिरी मौका है सीसी, तुम चुपचाप यहाँ से जाते हो या फिर हमसे पिट कर जाओगे? सच में? इसे थोड़ा वक्त दो, ये बेचारा नया नया हीरो बना है ना। ये तो बस एक नमूना था, अब देखो इसका असली कमाल।
बस एक मिनट, कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुमने देखा कि उसके बूस्टर्स कितने तेज हैं? वो पिशाच स्लिंग कर रहा है, हम मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्त, एक तुम ही हो जिसने पिशाच का सामना किया है और उसका नतीजा अच्छा नहीं था, याद है? जोश बढ़ा रहे हो तो बात नहीं बन रही, पर फिक्र मत करो, एक आइडिया है। ले लूं? हाँ, जरूर। इलाय, वो सिर्फ एक स्टिंकर है, एक पिशाच के आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो इसे नजरअंदाज कर देगा। कितना बदबूदार है और बेवकूफ, पता होना चाहिए मैं उसे वापस तुम्हारे पास भेजूंगा, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, तुम मुझ पर हमला कर दो जिसके बाद मेरे दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, या फिर यहाँ से चले जाओ। तो क्या फैसला किया है? अच्छी चाल थी बच्चे, ये बदबू नहीं जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें पड़ेगा। तुम तो एक रिस्पेक्टेड स्लग स्लिंगर हुआ करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? एक मौका मिला और मैंने उसे ले लिया, और डॉक्टर ब्लैक का साथ देने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। भले ही एक नया शेन आ गया है, पर तुम डॉक्टर ब्लैक और उनके पिशाचों के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। और तुम्हारे उस शेन हाइडआउट का क्या हाल है? अच्छा तो है ना? तुम क्या कहना चाहते हो सीसी? कुछ नहीं, बस इतना ही, जब मैं यहाँ इन सिटीजन्स को एंटरटेन कर रहा था तो मेरे कुछ साथी तुम्हारे ठिकाने को थोड़ा सा रीडेकोरेट कर रहे थे। समझ लो कि ये एक तोहफा है उसकी तरफ से जिसने मुझे ये दिया है। हाइड आउट चलो। उन्होंने अच्छा नहीं किया। ये अच्छी खबर है, उन्होंने मेरे कांच के पुतलों के कलेक्शन को बख्श दिया। मैं उनसे बदला लूंगा, बदला। डॉक्टर ब्लैक ने हमें चेतावनी दी है, अब मैं दिखाऊंगा शेन गैंग को चेतावनी देने का नतीजा। तो प्लान क्या है? हम भी ब्लैक को मैसेज भेजेंगे, पहले हम अपना सारा खोया हुआ सामान रिप्लेस करेंगे। जानते हो इसका मतलब क्या है? हम जा रहे हैं बार्टन और स्पिंक्स में। वाव, पर शुरू कहां से करें? जानता हूं, इनके पास फर्नीचर से लेकर नए धूमधड़ाके के अपग्रेड्स हैं। तुम्हें अपने मशीनी दानव के लिए कस्टम पार्ट्स भी मिलेंगे। कोड, तुम इन सब में एक्सपर्ट हो, क्या तुम रिप्लेसमेंट्स चुन सकते हो? बिल्कुल, इससे काम चल जाएगा, इससे खोई भी सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, साथ ही कुछ अपग्रेड्स भी, वो आगे चलकर हमारे बहुत काम आएंगी। बस एक सवाल, क्या हमारे पास इसके लिए सोना है? सोना नहीं, सिर्फ स्लग्स। तुम्हारे पास काफी अच्छे वाले हैं। नहीं, कभी नहीं। हम किराने का सामान नहीं ले रहे, तुम्हें कुछ कीमती पाना है तो उसके बदले में कुछ कीमती खोना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता हमें इन चीजों की जरूरत है, मुझे अपने स्लग्स नहीं खोने हैं। और ब्लैक का क्या? उसके पास ताकतवर पिशाच हैं, हमें अच्छे से अच्छे सामान की जरूरत है। ये मेरी टीम है, मैं इन्हें करीब से जानने भी लगा हूं। देखा, इसीलिए गोला बारूद के साथ कभी दोस्ती नहीं करते। मैं जानती हूँ ये स्लग्स तुम्हें कितने प्यारे हैं, पर कभी कभी तुम्हें इनका सौदा करना ही पड़ेगा, हम सब करते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम बहुत अच्छे स्लग हो जूस, पर हमें ये चीजें चाहिए। वाह, इससे काम चलेगा, तुम ये सब ले जा सकते हो। तुम जिसके पास भी जाओगे वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। शायद हम फिर मिलें।
मुझे नहीं लगता बच्चे। नाइटमेयर रिज, हमें संभल कर चलना होगा। मैं कुछ सोच रहा था। मेरे कारनामों के बारे में सोच रहे होगे। हमने गलती की। तुम्हें महान प्रॉन्टो के ट्रैकिंग के हुनर पर शक है। मैं जूल्स की बात कर रहा हूँ, हमें उसका सौदा नहीं करना चाहिए था। शायद हम इस पर बात कर चुके हैं। तुम ब्लैक को रोकना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे सामान की जरूरत होगी, और अच्छे सामान के लिए कभी कभी एक दो स्लग्स देने पड़ते हैं। मैं उसे लाने जा रहा हूँ। उसे स्लग्स से इतना लगाव क्यों है? क्या मतलब वो चला गया? हमें गए एक ही घंटा हुआ है, उसका सौदा हो गया। अगर तुम्हें रिफंड चाहिए तो मेरे पास कुछ फ्लॉपर्स हैं। नहीं, मुझे मेरा जूल्स चाहिए। सॉरी बच्चे, वो नहीं मिलेगा। चलो कोशिश तो की। रुक जाओ प्रॉन्टो, वो दुकानदार कुछ छुपा रहा था, मैं ये पता लगाऊंगा। एक साजिश, मजा आएगा। पीछे रहो, इस काम में बहुत हुनर की जरूरत है जो मुझ में है। ये तो मैं भी कर सकता था। यहाँ कई स्लग्स हैं। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? धंधा काफी मंदा चल रहा है, पर फिर भी मेरे पास यहाँ काफी अच्छी क्वालिटी के स्लग्स हैं। ट्रेनिंग किए हुए ताकतवर स्लग्स, जैसे डॉक्टर ब्लैक को पसंद है। इन सब को लोड करो। इसके पीछे डॉक्टर ब्लैक का हाथ है। वो इन स्लग्स को डरावने पिशाचों में बदलने की सोच रहा होगा। अच्छा, पर उसे जूल्स नहीं मिलेगा, या इनमें से कोई भी नहीं। चलो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। वो स्लग तुम्हारा नहीं है। किसने कहा? डॉक्टर ब्लैक। वो यहाँ दिख नहीं रहा है, और हाँ, इस वक्त तुम अकेले हो और हम बहुत सारे। तुम कौन हो? लोग मुझे कहते हैं डियाब्लोस नाचो। ठीक है, नाचो। तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं। मेरे पैर सुन्न पड़ गए हैं। क्योंकि तुमने मेरा पैर पकड़ा है। तो फिर ठीक है। ठीक है, तुमने हमें हरा दिया, अब क्या करोगे? डरो नहीं जूल्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम डॉक्टर ब्लैक के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हो? कई लोग करते हैं बच्चे, उसे मना करना मुश्किल है। वैसे ये सिर्फ स्लग्स ही तो हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें पता है उनके साथ क्या कर रहा है, और मुझे पता करना भी नहीं। जूल्स और उन बाकी स्लग्स को बचाना होगा। मैं ब्लैक को उन्हें पिशाच में बदलने नहीं दूंगा। मतलब हम सीधे ब्लैक के हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं। उसे चेतावनी भेजना चाहते थे, अब खुद ही डिलीवर करेंगे। तुम कौन हो? ईलाई शेन, मुझे डॉक्टर ब्लैक से मिलना है। वहीं रुको। तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हारे लिए आसान है।
जाओ। ब्लैक कहाँ है? बिजी हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मुझे मेरा स्लग वापस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब फिर से मेरी ऑफर के बारे में सोचो। मैं तुम्हारी वफादारी और सर्विस के बदले में तुम्हें दूंगा स्लगटेरा का सबसे ताकतवर हथियार। जानता हूँ तुम काम में यकीन करते हो, बातों में नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। इसलिए फिर से कहता हूं, मेरी दी हुई ताकत लो और मुझसे हाथ मिला लो। दोस्तों, इन स्लग्स को यहां से निकाल कर हम भी निकल चलते हैं। एक प्रॉब्लम है, जूल्स यहाँ नहीं है, हमने देर कर दी। तो तुम हमेशा से असिस्टेंट बनना चाहते थे या मजबूरी में बने हो? ठीक है, ब्लैक कब आने वाला है? जानता हूँ मुझे बिना बताए मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था, पर सच कहूँ तो मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगी। पता नहीं मैं इलाय को जूल्स के बारे में कैसे बताऊंगी। तुम, हे दोस्त, बाय, दरवाजा तोड़ दो, हमें यहां से निकलना होगा। इन स्लग्स के बिना नहीं। नहीं, इस तरह। डॉक्टर ब्लैक के स्लग्स, पकड़ो उन्हें। मॉरिस, हमें अकेला छोड़ो। अब काम की बात करते हैं। तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? बुलाया है? मुझे तो तुम्हारा कोई भी बुलावा नहीं मिला। तुम्हारे हाइड आउट में तुम्हें मेरा भेजा हुआ मैसेज मिला होगा, तभी तो तुम आए हो, है ना? वो तो है, पर मैं अपना स्लग वापस लेने आया हूं। ओ अच्छा, तुम इसी को ढूंढ रहे हो ना? जूल्स, दोबारा सोच लो। बहुत अच्छे, मुझसे हाथ मिलाओ और मैं इसे इससे भी ताकतवर बनाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि तुम मेरे ही घर में आकर मुझे ही आसानी से हरा दोगे? हाँ, मुझे वो अपग्रेड साथ लाने चाहिए थे। Thank you.
देखो इलाई ब्लैक से लड़ रहा है, वो भी बिना प्रॉन्टो के। हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते थे, पर बच्चों को अपने पिता की गलतियां दोहराने की आदत पड़ जाती है। अच्छा है, हम सब यहीं हैं। तुम्हारे दोस्त एक और शेन का खात्मा देखेंगे, फिर आएगी उनकी बारी। उसके स्लग्स ताकतवर हैं, पर तुम भी कम नहीं हो। तुम्हें अपने स्लग्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शर्त लगाते हो, यहाँ से निकलना है बर्फी, उसे दिखा दो क्या चीज हो। वाह, आग की दीवार, इससे बात बनेगी। दिखा दिया तुम क्या कर सकते हो दोस्त, चलो यहां से निकलते हैं। सही कहा, पीछे जाओ और जाकर उन्हें पकड़ो। नहीं, उन्हें जाने दो, वो बात समझ गया। अब इलाई शेन वापस यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे सबक क्यों नहीं सिखाते? सिखाएंगे जरूर, उनको सिखाएंगे, पर अभी के लिए उसे देखकर सबको ये जानने दो कि क्या होता है जब एक शेन मुझे चैलेंज करता है। वैसे हम पूरी तरह से नहीं हारे, तुम सब अच्छा लड़े, तुम सभी। ब्लैक गलत था, हमारे स्लग से जरूरी और कुछ नहीं। हमें यहाँ सब कुछ सही करके ब्लैक को रोकना है, तो हमें स्लग्स चाहिए काफी सारे। उन्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी, हमारे स्लग्स अभी मूव सीख सकते हैं। नए सामान संभल कर, हम ठीक उनके ऊपर हैं। हाँ हाँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद करीब से देखना चाहिए। फ्रॉस्ट क्रॉलर्स, याद रहे लाए, वो खूंखार हो सकते हैं। तेज रफ्तार से जाते हुए ज्यादा खूंखार दिखते हैं। दखल नहीं देना चाहता, पर तुम ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हें यहाँ तक लाने में इस महान प्रॉन्टो का हाथ है। क्यों ना हम एक पकड़ लें? मैं जाल लाती हूँ, मेरे पास ग्लव्स हैं। क्यों ना हम उनसे बात करें। हे, मुझे अपनी टीम के लिए कुछ ताकतवर स्लग्स चाहिए, जैसे कि तुम। अब वो मुझसे नहीं बचेगा। कौन तो नहीं। उन्हें कुछ नहीं होगा। उन स्लग्स के एक साथ ट्रांसफॉर्म होने से एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। दोस्तों, यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। भागो यहां से।
बचने वाले। ऐसा नहीं होगा। जंग लगे बेवकूफ जल्दी निकलो। मेरा मतलब मेरे साफ सुथरे जान से प्यारे अच्छे दोस्त। सिर्फ एक ही मौका है, इसे गवाना नहीं पड़ती। जलाओ बर्फी जलाओ। मुझे मजा आया पर मुझे नहीं आया। चलो भी बहुत मजा आया पर काश कि हम उस लक को ला पाते। देखो ये वापस आ गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे स्लग्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब तुम्हारा ब्लास्टर उन्हें हैंडल नहीं कर पाएगा। अच्छी एक्टिंग है। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक है। ये कब तक ठीक होगा? मेरे ख्याल से कभी नहीं। मैं काफी चीजें ठीक कर सकता हूँ, इसे एक्सपर्ट चाहिए। मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो ये ठीक कर सकता है। रेड हुक। जाना पहचाना नाम है। लगना भी चाहिए, सभी अच्छे सिंगर्स उन्हीं से मदद किया करते थे, तुम्हारे डैड भी। वो हुनरमंद हैं और उन्हें गुस्सा बहुत आता है। मुझे नया दोस्त नहीं ढूंढना है, बस ब्लास्टर ठीक करवाना है। रास्ता दिखाओ प्रॉन्टो। पीछे आओ। वेलकम टू पॉइंट लॉन, ये है रेड हुक का घर। तुमने कहा था ये अच्छी जगह है। ये अच्छी हुआ करती थी। यहाँ के लोग थोड़े शर्मिले, प्रॉन्टो संभाल लेगा। हेलो, मैं हूँ प्रॉन्टो। लगता है इन्हें शांति पसंद है। तुम भी शांत हो जाओगे अगर तुम्हें उनके नीचे रहना पड़े। रिन्यू कर स्लग्स। वो स्लग्स नीचे गिरने पर फट जाते हैं। उनके नीचे रहना काफी मुश्किल होता होगा। स्लग्स के साथ तो हम रह सकते हैं, असली मुसीबत तो हूला गैंग बना हुआ है। हूला क्या? हूला गैंग। आओ दोस्तों। हे, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा आर्टवर्क, क्या वो एक बिल्ली है? प्यारी है। तुम्हें तमीज सीखने की जरूरत है जब इस बेकार टाउन को चलाने वालों से बात करो। अब इस बात का ध्यान रखूंगा। तुम टूटे हुए ब्लास्टर के साथ लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही शेन लड़के हो। चलो यहाँ से निकलो। हम हैं हूला गैंग, ब्लैक इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल एम्प्लॉयज। मतलब अगर तुम हमसे उलझे तो तुम उलझ रहे हो सीधे डॉक्टर ब्लैक से। तुम इसकी फिक्र मत करो क्योंकि मैं पहले ही उससे उलझ चुका हूँ। अपनी टीम के बिना तुम में ज्यादा दम नहीं है। फिर तुम्हें मुझे एक छोटे से ट्रिक शॉट कॉन्टेस्ट में हराने में दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम में दिमाग से ज्यादा हिम्मत है। मैं ब्लैक के लिए एक शहर चला रहा हूँ, मेरे पास गेम्स का वक्त नहीं है। जीते तो तुम्हें अपने स्लग्स दे दूंगा सारे, अपने सारे स्लग्स। तुम हारे तो शहर छोड़ दोगे। देखते हैं बच्चे, समझो तुमने अपने सारे स्लग्स खो दिए। उसने तुम्हें हरा दिया तो तुम बर्पी और अपने सभी स्लग्स को खो दोगे। उसे चैलेंज करते वक्त ये बात तुम्हारे दिमाग में जरा भी नहीं आई क्या? आई थी, डरो मत, मेरे पास एक प्लान है। बहुत अच्छे, इसके पास एक प्लान है, बताओ। जीत। अरे वाह। लो, अब तुम बहाना नहीं बना पाओगे कि तुम्हारे पास एक टूटा हुआ ब्लास्टर है। थैंक्स, तुम्हें हराने के लिए एक टूटा हुआ ब्लास्टर भी काफी है।
कैसा लगा? बढ़िया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वाह, तुम हार गए। तुम हार गए। तुम्हारा जवाब नहीं। रुको। एक पॉइंट लाइक हो। बहुत अच्छे। ट्रिक शॉट्स, दो अच्छे शॉट्स मारने वाला जीतेगा। नहीं तुम नहीं। तुम्हारे स्किल्स मेरी फ्लेरिंगो के आगे नहीं टिक पाएंगे। देखते हैं फ्रॉस्ट क्रॉलर क्या करता है। बैकबॉल हिट करने वाला जीतेगा। गो। दो पॉइंट्स। फिर से। काउंट नहीं करते। अब आखिरी मुकाबला होगा, जो जीता वही सिकंदर। मिस्टर, मैं 6 शॉट पहले ही जीत चुका हूँ। ये गुफा उन ग्रेनुकर स्लग से भरी है। सबसे ज्यादा स्लग्स गिराने वाला जीतेगा। नहीं नहीं, वो किसी को परेशान नहीं कर रहे। तो क्या हुआ? वो सिर्फ स्लग्स हैं। चुपचाप यहां से चले जाओ। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। तुम बेकार हो, ना तुम फटते हो ना चीजें जमाते हो, बस बेकार निकम्मे गंदे स्लग हो। संभल कर, उसे कुचलने ही वाले थे। बहुत हुआ, अब मैं तुमसे तंग आ गया हूं। ड्यूल करते हैं। क्या तुम मुझे फिर से वो ब्लास्टर दे सकते हो? अब तुम नहीं बचोगे। कोई भी स्लग काम नहीं आ पा रहा। कॉर्ड ब्लास्टर, ये तैयार है। लगता है उन्हें नीचे गिराना आसान नहीं है। तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास एक और स्लग की जगह है। एक्चुअली काफी जगह है। डॉक्टर ब्लैक को यह अच्छा नहीं लगेगा। तुम सबने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो वापस आएंगे। उनका इंतजार रहेगा। रेड हुक के घर चलें। मिस्टर रेडहुक, मैंने तुम बच्चों को कितनी बार कहा है मुझे परेशान मत करो। अब क्या करें? हम कभी मिले नहीं हैं। मैं बस एक प्लास्टर ठीक कराने आया हूँ। तुम उन हुला गैंग जोकरों के साथ तो नहीं हो? नहीं, हम वो हैं जिन्होंने उनको भगा दिया। एक रेडहुक, एक सवाल है। आपने अपना नाम उस हुक के लगने से पहले रखा या बाद में? ये पहले से ही रेड था या किसी और रंग का? प्लीज सर, आपकी मदद चाहिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। मुझे लंच के वक्त डिस्टर्ब किया। बढ़िया, मुझे भूख लगी है। क्या आप भी इस तरह के औजार बनते हैं? नहीं बनते। अपना काम बताओ और यहां से निकलो। मेरे पास स्लग्स हैं, उन्हें शूट करने के लिए ब्लास्टर चाहिए। तुम्हारे पास इतने ही स्लग्स हैं? यहां से चले जाओ लड़के, हम कहीं नहीं जाएंगे। किसी को तो शहर की रक्षा करनी है।
तुम जाने पहचाने लगते हो, तुम्हें यकीन है हम कभी नहीं मिले? अपना ब्लास्टर दिखाओ, आप ठीक करेंगे? ये बहुत लकी रहा है। शुक्र करो इसने तुम्हें मारा नहीं। ये चीज तो नई होने पर भी एक कबाड़ ही थी। मैं कबाड़ ठीक नहीं करता। जरा एक मिनट, इनसे प्यार से बात करने की जरूरत है। तुम डरो नहीं, प्रॉन्टो जानता है कि उन्हें कैसे मनाया जाए। नहीं, चले जाओ यहाँ से। आज तक किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की। और वापस मत आना। उन्हें मनाना आसान काम नहीं है। अब तुम सब ठीक करो, वरना मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगी। मॉरिस, ये तुम किसे ले आए? नया रिक्रूट है, नाम है बिली। इसे क्वाइट लॉन कैबन भेजा कि ये रेडुक को हमारे लिए काम करने पर राजी करे। वो राजी हुआ? चलो बताता हूँ, वहाँ के लोग मान नहीं रहे। वो लोग नहीं, वो लड़का वहाँ आया और ऐसा दिखाने लगा जैसे वो शहर का मालिक हो। उसी ने तुम्हारा ये हाल किया। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। लगा था कि आप यही कहेंगे। मैं, तुम बिली हो है ना? तुम्हें शेन से अपना बदला लेना ही चाहिए। मैं तुम्हें कुछ स्ट्रॉन्ग स्लग्स देने वाला हूं। पिशाच स्लग्स, तुमने कभी देखे हैं? उनके बारे में सुना है? अगर एक स्लग के अंदर की सारी ताकत सिर्फ तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हो, कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो स्लग जिससे तुम अपना बदला ले पाओगे? एक शेन मेरे पिशाचों के आगे टिक नहीं सकता। अब तुम में से कौन पिशाच बनना चाहता है? शहर में सब नॉर्मल हो रहा है। अगर ढेर सारे फटने वाले स्लग्स के नीचे रहने को नॉर्मल कह सको तो। प्रांटो कहाँ है? रेड हुक से माफी मांग रहा है। हूला गैंग इसी तरफ आ रहे हैं। वापस आओ, ये तुम्हारा शहर है। वो उनसे लड़ते क्यों नहीं? भूल गई ये क्वाइट लॉन कैवन है। शहर की रक्षा के लिए इन्हें खड़ा करेंगे। पहले अपना ब्लास्टर ठीक कराओ। उम्मीद है प्रॉन्टो ने रेडहुक को मदद के लिए मना लिया हो। मैं अपने पिता की तरफ से और उनके पिता की तरफ से आपसे बहुत 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 माफी मांगता हूँ। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा मेरे घर से निकल जाओ? मुझे आपसे माफी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। बहुत हो गई माफी प्रॉन्टो। हूला गैंग वाले आ रहे हैं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। रेडहुक, आप मेरा ब्लास्टर ठीक करेंगे या नहीं? नहीं, ठीक है, मैं उसके बिना ही उनका सामना करूंगा। चलो प्रॉन्टो, तुम एक शेन हो है ना? सही कहा, कैसे पहचाना? तुम्हारी इस हिम्मत को देखकर। मैंने एक बार विल शेन को सिर्फ एक डस्ट पफ स्लग और एक स्लिंग शॉट के साथ पूरे मैकडूगल गैंग को हराते हुए देखा था। नहीं पता था उसका एक बेटा है। डैड मुझे सबकी नजरों से दूर रखते थे। अब तुम सबकी नजरों के सामने आ गए हो। क्या तुम ब्लैक से लड़ने वाले हो? मैं तो सभी बुरे लोगों से लड़ने का फैसला कर चुका हूँ। वेल, तो फिर तुम्हें इसकी जरूरत होगी। वाव, मैंने सिर्फ दो ही बनाए थे। दूसरा वाला तुम्हारे डैड के पास था। अब आपसे क्या कहूँ? कहो कि तुम अपने डैड जैसे बनोगे। हम उस हूला गैंग से लड़ने जा रहे हैं। प्रॉन्टो चाहता है कि आप इस ऐतिहासिक लड़ाई में हम सबका साथ दें। मैं इन्हें बनाता हूं पर कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया। आपने काफी मदद की है, अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। चलो प्रॉन्टो। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जाओ उन्हें दिखा दो बच्चे। क्या सब तैयार हैं?
पैदाश ही तैयार हूँ। इन जोकरों को उनकी असली जगह दिखाते हैं। इस ब्लास्टर के साथ ये करना मुश्किल नहीं होगा। एक प्रॉब्लम है, उनके पास पिशाच हैं। इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। कोशिश करके देखो। हमला करो। ये वाकई कमाल का है। उनके स्लग्स वेस्ट करो। तुम्हारी बारी जूल्स। बढ़िया शॉट ट्रिक्सी। वो तो हमेशा होता है। मारो। तबाह कर दो। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ दो स्लग्स बचे हैं। मेरे पास डैशलेस हैं। मेरे पास कुछ नहीं। मेरे स्लग्स कहाँ गए मुझे पता नहीं। हमें यहाँ रहने वालों की मदद चाहिए। यहाँ के लोग मना कर चुके हैं। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। टोंटो, क्या तुम्हारे पास अभी वो सोनिक जान है? तुम वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, अब वो गए। बर्पी, नए साथी जमा करते हैं। चलो। हम हारे नहीं हैं शेन, हमारे पास अब भी पिशाच बाकी है। मेरे नन्हे दोस्त, अब तुम ही बचे हो। जाओ दिखाओ अपना कमाल। वो बेकार स्लग है, अब तो तुम गए। मेरे पिशाच के साथ क्या किया? वो अब एक पिशाच स्लग नहीं रहा। तो ये काम करते हो तुम एक हीलर हो। ये कोई मामूली हीलर नहीं है, ये पिशाचों को ठीक करता है। एक हीलर नहीं हो सकता। घंटों ड्यूलिंग करने के बाद भी आपके स्लग्स कुछ नया नहीं सीख पा रहे? ऐसा ही होता है। बाकी स्लिंगर्स को अच्छे स्लग्स मिल रहे हैं और आपको सिर्फ फ्लॉपर्स। ये गंदे बेकार से फ्लॉपर्स। क्या आपको समझ नहीं आता कि कौन सा स्लग इस्तेमाल करें या वो इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं? मेरे दिल की बात बता रहा है। तो फिर आइए क्लब स्लग में। हम जानते हैं कि एक स्लग को ताकतवर बनाने में वक्त बर्बाद करने के अलावा आपके पास और भी कई काम है। हाँ, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
इस स्लग ने एक ही वीकेंड में 5 नए मूव सीख लिए और मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस आराम से बैठो और देखो, वो भी रिलैक्सिंग मसाज के मजे लेते हुए फुली इक्विप्ड स्पा में। थैंक यू सर्जन स्लग, मुझे पेडिक्योर चाहिए। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं हूँ सर्जन स्लग और मैं कहता हूँ उठो, अपना सामान बांधो और मुझे सारा काम करने दो ताकि आप आराम कर सको। ये एक ऑर्डर है। यस सर। कुछ सेकंड बाद जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए अभी से माफी मांग रहा हूं। तुम्हारी धमकियों में तुम्हारी बदबूदार सांसों जितना दम नहीं। मैं एक केव ट्रोल हूं, मुझे बदबू से फर्क नहीं पड़ता। ये भी है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अपने ओपोनेंट को गुस्सा दिलाने की प्रैक्टिस। क्यों ना बातों के बजाय स्लिंगिंग पर ध्यान दिया जाए। खूब बैंगर, अफसोस मत करो कॉर्ड, ये सिर्फ प्रैक्टिस है तुम्हारे लिए। तुम तो ये भी नहीं जानते थे कि एक स्लग ब्लास्टर से कैसे बाहर आता है, अब तुम्हें हराना भी मुश्किल है। एक मिनट। ब्रांटो, सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? बहुत अच्छा सवाल है, तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम घंटों तक डोलिंग करते हुए थक नहीं जाते हो? नहीं, यही एक स्लग स्लिंगर होने की खास बात है। तुम हर बार जीतो तो क्या बाकी स्लिंगर्स तुम्हें धूल चटवा रहे हैं? वो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, इसलिए मैंने हम सब के लिए क्लब स्लग में एक आरामदायक वीकेंड बिताने की बुकिंग कर ली है। अच्छा, पर मैं एक स्लिंगर हूँ, कोई डांसर नहीं हूँ। वो उस तरह का क्लब नहीं है, मैंने भी उसकी एड देखी है। वो स्लग्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप और स्लिंगर्स के लिए एक वेकेशन जैसा है। वेकेशन? सच में? तुम्हें वेकेशन की सख्त जरूरत है। तुम कितनी मेहनत करते हो और जब तुम वहाँ जकूजी वाले पूल के पास ठंडे ठंडे नींबू पानी का मजा लोगे तब तुम्हारे स्लग्स ताकत और तजुर्बा हासिल कर रहे होंगे। इतना सब एक वीकेंड में। वैसे सुनकर यकीन नहीं होता, पर वो पूल वाली बात मुझे अच्छी लगी। अगर ऐसा करने से मैं तुम्हें हरा पाऊं तो मैं जाऊंगा। उसके लिए क्या कीमत देनी पड़ी? क्या कामयाबी की कोई कीमत होती है भला? सीधे सीधे बताओ प्रांटो। मैंने ग्रुप डिस्काउंट के बारे में बताया, आधा सोना देना पड़ा। प्रांटो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक नए ब्लास्टर के लिए उसे बचा रही थी। हमने मेहनत से वो सोना कमाया था प्रांटो। और इसीलिए तुम्हें एक वेकेशन की जरूरत है, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे सोना वापस चाहिए, रिफंड्स नहीं होते। हमें वहां जाकर दी गई कीमत को अच्छी तरह वसूल करना होगा। तो हम क्लब स्लग में आ गए। अब हम अपने स्लग्स को नॉन ट्रेडिशनल तरीके से ताकत पर बनाने के लिए तैयार हैं, पर पहले चलो बाकी मेहमानों से मिला जाए। हाय, मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्लब स्लग में क्यों आए हो? नाम है वेलन और मैं यहाँ अपने स्लग्स ताकतवर बनाने आया हूँ। वीकेंड पर मैं और मेरे साथी यहाँ पर अच्छी तरह आराम करने वाले हैं। इसके बाद
यहाँ मेरे स्लग्स राज करेंगे। अच्छी बात है, और तुम कौन हो? लगता है पूरे स्लग टेरा में सिर्फ तुम्हें ही क्रोसिस क्लैन के बारे में नहीं पता। अगर क्लब स्लग इतना ही अच्छा है तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। अकड़ू, माफ कीजिए। और तुम्हारा क्या? उस कैमरे को हटाओ। ठीक है, चलो एक लाइन बनाओ और सीधे खड़े रहो। तुम फ्लॉपर्स थोड़ी हेवी लिफ्टिंग के लिए तैयार हो? विश्राम, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे फ्लॉपर्स ही सारा काम करेंगे। वो काम करेंगे ताकि तुम्हें ना करना पड़े। आज हमारे साथ एक शेन भी है। तुम्हारे स्लग्स को ट्रेन करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं तो यहाँ सिर्फ वाटर स्लाइड के लिए आया हूँ। बुरा मत मानना सर, पर मुझे लगता है आपकी बातें सिर्फ बातों के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने बुरा नहीं माना बच्चे, मैं हमेशा सुनता हूँ, पर इस वीकेंड के खत्म होते होते तुम्हें मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं लगेंगी। चलो सब लोग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे होता है। बिना अपने सारे पत्ते खोले हुए मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। बताओ एक डेमोंस्ट्रेशन के लिए कौन मुझे अपना स्लग देगा? पहले मेरा। देखो ये नन्हे स्लग्स कितने बेकरार हैं। वो जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है। अब स्लग चाओ का मेरा खास मिश्रण उन्हें जल्दी से रिचार्ज करता है। अब देखो उन्हें इसकी जरूरत क्यों होगी। वाह, ये तो कूल है। स्लग के मशीन में लोड होते उसे तेज फेंका जाता है। ट्रांसफॉर्म करके उसे टारगेट ट्यूब में फायर करके मैगजीन में वापस भेजा जाता है जहां वो फायर हुआ था। ऐसा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, पूरा दिन और पूरी रात ही चलता रहता है। इससे इन्हें नए मूव्स को बहुत जल्दी सीखने का एक्सपीरियंस मिलता है, उतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। स्लग्स को भी अच्छा लगता है। सब लोग अपने स्लग्स हमें दे दो ताकि हम इसमें डाल सकें। और ये सब होता है बिना किसी मेहनत के। मेरा स्लग ताकतवर दिख रहा है। तो क्या कहते हो इलाय, इसे आजमाने के लिए तैयार हो? अपने स्लग्स लाओ। मुझे और मेरे स्लग्स को पुराने तरीके पसंद हैं। हम इस वीकेंड वेकेशन पर हैं। तुम शेन्स ट्रेडिशनल होने के लिए मशहूर हो। वैसे मुझे तुम्हारा सोना मिल चुका है। ठीक है, आप सब लोग जाकर आराम करो, ये एक ऑर्डर है। सिवाय तुम सबके दोस्तों, अब उस वाटर स्लाइड पर चलते हैं। ये तो मानना पड़ेगा प्रॉन्टो, इसकी आदत पड़ जाएगी। टिप देना भूला नहीं कॉर्ड। ये सब बहुत अच्छा है। डैडी कहते हैं हर काम की एक कीमत होती है, और मैं कीमत दे सकता हूँ। जब मैं घर जाऊंगी तो मेरा भाई कीमत चुकाएगा, उसके गंदे चेहरे पर एक स्टिंकर स्लग के साथ। देखा, जब ये हो तो एक अजीब मशीन की किसे जरूरत है। अब सब ध्यान से सुनो, अब कुछ घंटे हो गए हैं। क्या तुम देखना चाहोगे कि तुम्हारे स्लग्स कैसा काम कर रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया। पता था कौन करेगा फ्रेंडली ड्यूल। किसी ने ड्यूल कहा? मुझे मंजूर है। बहुत अच्छे इलाय, कौन अपने बेहतर स्लग्स को शेन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? हाँ, मैं करूंगा। तो फिर आ जाओ। ठीक है दोस्तों, एक स्लग एक शॉट। अब तुम हारने वाले हो। तुम्हारी खैर नहीं इलाय शेन, सुना तुमने? बोलते रहो कॉर्ड, तुम बस यही कर सकते हो। नहीं, इस बार नहीं बदबी। बैंगर, उसे चोट मत पहुंचाना। बातें बहुत हुई, तैयार स्लिंगर्स? तो तैयार हो जाओ। शुरू।
तो इलाई शेन, तुम्हें अब भी मेरा सिस्टम एक मजाक लगता है? इलाई, तुम ठीक तो हो? हाँ, लगता तो है। तुमने मुझे हरा दिया। सही कहा, मैंने तुम्हें हराया। तुम हार गए। एक नए मूव के साथ, वो कमाल था। बिल्कुल, काश तुम पर दांव लगाया होता। तो अब तुम मानते हो? ना मानने जैसा कुछ है ही नहीं। तुम ठीक हो बैंगर? क्या हुआ था? तुम हार गए, और क्या हुआ? ठीक है, वापस मशीन में जाओ नन्हे उस्ताद। उन्हें बुज की तरह ताकतवर होने के लिए कुछ और सेशंस लगेंगे। एक मिनट, मैं महान प्रॉन्टो इलाई को स्ट्रोल से भी बुरी तरह से हराऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या कहते हो इलाई, क्या आप अपने स्लग्स को ट्रेन करवाना चाहते हो? ठीक है, चलो बैंगर को भेज कर देखते हैं वो एक रीमैच में कैसा करता है। तुम सच में ठीक तो हो? मुझसे हार कर बुरा लगा? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम आखिर में मुझे हरा सके। बस ये मानना मुश्किल हो रहा है कि एक मशीन ये सब कर रही है। वैसे मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें हरा दिया, पर जो भी हो तुम मुझसे हार गए। कितने सबूत चाहिए? लगता है बैंगर को यकीन है। वो भले ही स्लग है, पर वो जानता है उसके लिए क्या अच्छा है। उसे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। डरना मत बैंगर, मैं यही हूँ। वो डरा नहीं है, खुश है। सब कुछ ठीक है बच्चे, मैंने इस मशीन में हजारों स्लग्स को ट्रेन किया है। वैसे उसे अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस सुबह तक रुक जाओ, उसके बाद तुम इस मेथड के दीवाने हो जाओगे। मैंने तुमसे कहा था ना बच्चे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंप्रेस हूँ। कैसा लग रहा है बैंगर? इतनी ट्रेनिंग काफी है। जैसी मर्जी, नाश्ते का वक्त हो गया है। यहाँ खाने में कोई रोक टोक नहीं है। हटो, मुझे आगे जाने दो, मुझे भूख लगी है। चलो बैंगर, बहुत ट्रेनिंग कर ली। बैंगर, जितना खा सकूं। कमाल की बात है, मुझे अपने कारनामों के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। मैं सब खाऊंगा। बैंगर ने पहले मुझे कभी नहीं काटा, ये मशीन उसे पागल बनाती है। सुनो, उनके साथ जो करना है उसके लिए उनका पागल होना जरूरी है। तुमने देखा कोड स्लग हमारे ड्यूल के बाद कितना कमजोर पड़ गया, और सार्जेंट स्लग उसे वहां से ले गए। वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें ट्रेन होने में वक्त लगता है। बुच को देखो, कितना तगड़ा स्लग है। देखो, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो इलाई, पर इसके लिए हमने अपना आधा सोना दिया है, वसूल तो करना होगा। कुछ ही घंटों में ग्रेजुएशन है, हम तब तक यहाँ पर रहकर उन स्लग्स पर नजर रखेंगे। उस मशीन में जाने वाले स्लग्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं इसका राज जान के रहूंगा। चलो बैंगर, एक छोटा सा वर्कआउट तुम्हें शांत कर देगा। कोई बात नहीं बैंगर, तुम्हारी कोई गलती नहीं। बैंगर, तुम ठीक हो ना? लगता है तुम कमजोर पड़ रहे हो, क्या हो रहा है? यहाँ एक स्कैम हो रहा है, मैं उसके जाल में फंस गया। मेरे स्लग्स की हालत देखो, मशीन इन्हें पागल बना रही है। मैं सही था। कैसे? मशीन जोश बढ़ाती है, कुछ शॉट्स के बाद ये कमजोर पड़ जाते हैं, फिर एक और राउंड, वो इसे मेंटेनेंस कहता है। उसके स्लग्स हमेशा चार्ज होते रहते हैं। मुझे यही तो पता लगाना था,
कांग्रेचुलेशंस जवानों, वादे के मुताबिक ये रहे तुम्हारे नए और बेहतर स्लग्स। ये स्लग्स कहीं नहीं मिलेंगे। इन्हें ट्राई करने के लिए मैं बेताब हूँ। सबसे कहना मत भूलना कि क्लब स्लग ने तुम्हारे लिए क्या किया है, मतलब इन सबको कैसे चीट किया है ना। ये आर्टिफिशियल लेवल अप ज्यादा देर नहीं टिकते, तुम्हें इन्हें पावर अप करने के लिए बार बार आना पड़ेगा। डूड, मुझे आना पसंद है। मेरे पैसे, मेरे स्लग्स, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? स्लग की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारा खतरा भी मेरी प्रॉब्लम है। स्लग को ट्रेन करने में वक्त लगने की एक वजह है। वक्त लगता है ताकि तुम्हें उसे हैंडल करने का तजुर्बा मिल सके। किसी को चोट लग सकती है बुरी तरह, ये स्लग्स उन पिशाचों जैसे बन रहे हैं। तुम भले एक शेन हो, पर तुम मेरा बिजनेस बिगाड़ रहे हो। जो मेरा साथ देगा उसे एक महीने का मेंटेनेंस फ्री मिलेगा। लगता है ये सब मेरे साथ हैं। अब तुम बच के दिखाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपनी नई इन स्लग्स की फिक्र है। मेरी बात मानो, उन स्लग्स को फायर मत करना। मैंने काफी खर्च किया है, इस्तेमाल तो करूंगा। पीछे हटो, मैं ये सब रोक सकता हूँ। ये बदबू, इलाय, सॉरी। मुझे ये पागल स्लग्स अच्छे लग रहे हैं, जाओ उन्हें दिखा दो दोस्तों। मत करो, उनके स्लग्स कुछ ही मिनट में थक जाएंगे। कई बार कुछ मिनट लंबे हो जाते हैं, शायद कुछ ज्यादा लंबे। सच में चल, मेरे पास स्ट्रॉन्ग स्लग्स की पूरी सेना है बच्चे। तुम्हारे पास क्या है? दोस्त जिनके साथ लड़ा हूँ, जिन पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना बर्फी? तुम्हारे स्ट्रॉन्ग स्लग्स कमजोर पड़ रहे हैं सार्जेंट, बिल्कुल गलत। मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। तुम मेरा बिजनेस बंद करवाओगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे स्लग्स थक चुके हैं, मेरे वाले तैयार हैं। पक्का तुम ये करना चाहते हो? चलो फिर हो जाए। क्या? नहीं, कमाल कर दिया बेंगल। हमारे स्लग्स तो ताकतवर हुए नहीं, ऊपर से हम मरते मरते बचे, पर शुक्र है अब कोई और इस धोखे का शिकार नहीं होगा। मैं मानना नहीं चाहती, पर तुम नकली ट्रेनिंग कैंप के बारे में बिल्कुल सही थे। मैं यहाँ से मिले हुए बेकार स्लग से अपने भाई को कभी भी हरा नहीं पाती। अगली बार मैं पुराने तरीके अपनाऊंगा, मतलब मैं अपने बटलर से करवाऊंगा, या कुक से, या ड्राइवर से। वैसे वो सब काफी कमाल का तो था, जिस तरह हमारे स्लग्स पूरी तरह पगला गए थे। वेलन, वो कमाल नहीं था। हाँ, शायद तुमने ध्यान दिया, मुझे चीजें देर से समझ में आती हैं।
तुम कहाँ हो? प्लीज मिल जाओ।